याद रहेगा। आम सर मैं मलिक आरिफ से मलिक हूँ अनंतनाग से और मैं जेके एसएसबी का एस्पिरेंट हूँ सर। तीन मेन पर्पज़ यही है कि अब तक जो ब्लैक लिस्टेड है 8 स्टेट्स के, इंडिया के 8 स्टेट्स में, और जो अभी इन्होंने घोटाले किए हैं, लेह में किया है, अम्बाला में किया है, सीईटी का एग्जाम, सीटेट का एग्ज़ाम लीक हुआ है, वो पेपर लीक हुआ है, और इनका सुपरवाइज़र पकड़ा गया है कुछ पैसे लेके, और सिटी हेड भी इनका पकड़ा गया है, और अम्बाला में इनके 25 लोग पकड़े गए हैं। जब इनका ट्रैक रिकॉर्ड ठीक नहीं है तो हम कैसे एक चोर को अपने घर में घुसने देंगे? जब पैसा हमारा है, एग्ज़ाम हमें देना है, ये 550 में हमें पेपर लेते हैं, जबकि SSC यही पेपर हमें 100 रुपये में लेता है। अगर पैसे हमारे इतने हैं तो हम क्या एक ब्लैक लिस्टेड कंपनी से अपना एग्ज़ाम देंगे? ये जब हम यही बात हाईकोर्ट में लेके गए तो हाईकोर्ट सिंगल बेंच ने हमारे फेवर में डिसीजन दी और इसको नलीफाई किया कि ये यहाँ ये ब्लैक लिस्टेड कंपनी है, ये यहाँ एग्ज़ाम नहीं कर सकती। लेकिन इन्होंने तो सारे हदें पार कर दिए, ये रात में ही वहाँ जाके डबल बेंच में स्टे लाया, और फिर हम सुप्रीम कोर्ट, ये एपटेक को SSB फेवर कर रही है और कुछ गवर्नमेंट के ऑफिशियल भी इसको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं अभी। और अभी हम अलजी साहब से ये चाहते हैं कि अगर आपके घर में भी हमारे जैसे बड़े लिखे बेटे बच्चे हैं, अगर आपके आपके दिल में कोई मतलब इंसाफ की उम्मीद है तो अभी आप बोलिए। अभी 3 साल से आप नहीं बोल रहे हैं, पहले भी 3 एग्ज़ाम कैंसिल हुए, JEE का एग्ज़ाम कैंसिल हुआ, JKPSI का एग्ज़ाम कैंसिल हुआ, फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का एग्ज़ाम कैंसिल हुआ, क्योंकि उनमें स्कैम हुआ था। अब दूसरी बार जब एग्ज़ाम दे हमसे ले रहे हो एक ब्लैक लिस्टेड कंपनी से जो हमें मंजूर भी नहीं थी, फिर भी हमसे फोर्सबली एग्ज़ाम लिया, जबकि हाईकोर्ट ने बिल्कुल एपटेक उसमें शामिल थी। आप अगर अपना कैमरा दिखा सकते हैं तो मैं जहाँ भी देखो पेपर लीक हुआ, और ये हम नहीं कर रहे, ये नेशनल मीडिया कवर कर रहे हैं, आप देख लीजिए ये सारा, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये नेशनल मीडिया इसका कवरेज ले रहा है, ये हिंदुस्तान टाइम्स है, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, हर जगह ये इसी महीने के इसके स्कैम्स है, ये स्कैम की जड़ बन चुकी है, इट इज़ द मदर ऑफ स्कैम ऑल स्कैम्स इन ऑल ओवर द इंडिया। हम इसके हम डिमांड ये हमारी डिमांड ये है कि हम घर से निकले हैं, जब तक ये अब तक यहाँ बैन नहीं हो जाएगी, यहाँ से बाहर नहीं आ जाएगी, हम घर नहीं जाएंगे। अभी इन्होंने अगर केस हमारा रिजर्व जजमेंट आनी है उसकी, तो अभी हाईकोर्ट में केस है इसके खिलाफ, तो इन्होंने एडमिट कार्ड निकाले, हम क्यों एग्ज़ाम देंगे? अगर अभी कोर्ट की डिसीजन नहीं आई है, क्या इनके फेवर में आएगी या लड़कों के फेवर में आएगी? इनको कहाँ पता है किसके फेवर में आएगी? तो हम क्यों इस ब्लैक लिस्टेड कंपनी से एग्ज़ाम देंगे? धन्यवाद।